أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صلوات الله عليه وسلم ایک مرتبہ اور بلند تر صلی اللہ علیہ وسلم برادران عزیز منتظمین مجلس کی جانب سے اعلان یہ تھا کہ 8 بجے مجلس شروع ہو جائے گی لیکن آج یہ تاخیر میری وجہ سے ہوئی ہے اس لیے میں منتظمین سے بھی اور آپ حضرات سے بھی معذرت چاہتا ہوں کل سے انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے میری گفتگو شروع ہو جائے گی یہ مجلسیں جو تاریخ شہادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے منعقد ہوتی ہیں ان میں گزشتہ چند برسوں سے مجھے ذکر و بیان کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور میرا موضوع مسلسل دعا ہے اس مرتبہ بھی جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی موضوع کو مسلسل برقرار رکھا جائے اس لیے کہ دعا کا موضوع اہم بھی ہے تسلسل کا متقاضی بھی ہے اور ابھی تک اس کے بہت سے وہ پہلو ہیں جو میں بیان نہیں کر سکا لیکن اس وقت ممبر پر آنے سے قبل میرے بعض احبا اور اعزا نے کچھ اور بھی عناوین تجویز کیے تو دل یہ چاہتا ہے کہ ان تمام عناوین کو یکجا طور پر موضوع گفتگو بنا لیا جائے اور اسی اعتبار سے ذہن میں یہ آیت کریمہ آئی کہ جس میں رب اکبر کا اعلان ہے جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے ہموار کرتے چلے جاتے ہیں بہت مختصر سی آیت ہے بظاہر بہت ہی سادہ سا مضمون ہے مگر یہ مضمون سادہ ہونے کے باوجود بہت تہدار ہے بالکل اسی طرح جیسے ہمیں زندگی بظاہر بہت سادہ نظر آتی ہے مگر ہے بہت تہدار زندگی ہمیں بہت سادہ نظر آتی ہے مگر بہت تہدار ہے زندگی کی گہرائی بلکہ گہرائیاں زندگی کی پہنائی بلکہ پہنائیاں
पैमाइश के काबिल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि ज़िंदगी की गहराइयों और पहनाइयों की पैमाइश हो सके। ज़िंदगी में मारूजियत भी पाई जाती है, मौजूइयत भी पाई जाती है। ज़िंदगी में ऑब्जेक्टिविटी भी पाई जाती है, सब्जेक्टिविटी भी पाई जाती है। और इस एतबार से ज़िंदगी के रुख, उसकी जहतें, उसके अबआद, उसकी सतहें, उसके तकाजे बहुत गुनागुन हैं। इस आयत करीमा में कलीदी कलिमा जाहदू का है। अल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग हमारी राह में मुजाहदा करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, इज्तिहाद करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, एक ही रूट वर्ड है, जीम हाय हवज और दाल, इसके मुख्तलिफ सेगों से, इसकी मुख्तलिफ शक्लों से, इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स से मुख्तलिफ मानी पैदा हो। इसी से जहद है, इसी से जिहाद है, इसी से मुजाहदा है, इसी से इज्तिहाद है। एक रूट वर्ड है, एक ही रूट वर्ड है, एक ही मादा है, एक से हरफी मादा मुख्तलिफ अबवाब में जब मुंतकिल होता है और जब इसकी तसरीफ होती है और इश्तिकाक व तसरीफ के नतीजे में नए सेगे हासिल होते हैं, तो ये नए सेगे क्या होते हैं? ज़िंदगी के मुख्तलिफ सेगों की तर्जमानी करते हैं। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों की तर्जमानी करते हैं। ज़िंदगी अगर फितरी माहौल में ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए तो भी एक जिद्दोजहद से खाली नहीं है ज़िंदगी, और न सिर्फ बशरी ज़िंदगी बल्कि इस कायनात में जो कुछ है वो एक फितरी जिद्दोजहद के सफ़र से दोचार है। जो कुछ है, साइंस का एक कानून है, नेचुरल सिलेक्शन, फितरत इंतखाब करती है, और फितरत के इंतखाब में कामयाब होने के लिए हर शय बका के लिए जिद्दोजहद करती है। तवज्जो है, ये तो साइंस की खुली हुई अब हकीकत है। हर शय इस आलम हस्ती में बाकी रहने के लिए, लेकिन दो तरफ से कश्मकश है। एक तरफ से हर शय अपनी बका चाहती है और दूसरी तरफ से आलम फितरत बका अता करती है मगर मुंतखब अफराद को। यानी सब कुछ यकतरफा नहीं है, दो तरफा है। साइंस में भी मामले के दो अतराफ हैं, एक तरफ एक फर्द है और दूसरी तरफ फितरत। फितरत इंतखाब करती है, नेचुरल सिलेक्शन है,
नेचर सेलेक्ट करती है, नेचर सेलेक्ट करती है, ये बात तो सब मान लेते हैं। और जब हम कहते हैं कि नेचर बनाने वाला भी सेलेक्ट करता है तो फितरत इंतखाब करती है, इख्तियार करती है फितरत हर शय। आप एक ही ज़मीन में, ज़मीन एक है, फ़ज़ा एक है, आबो हवा एक है, उस पर रोशनी एक ही पड़ रही है आफ्ताब की, और उसी ज़मीन में दाने बिखेर दें, कुछ दाने परवान चढ़ेंगे, कुछ परवान नहीं चढ़ेंगे। मालूम हुआ कि इसकी तौजीह यूँ की जाती है कि जिन दानों में सलाहियत थी वो परवान चढ़े, और जिन दानों में सलाहियत नहीं थी वो परवान नहीं चढ़े। एक फ़ज़ा में रहने के बावजूद कुछ परवान चढ़ते हैं, कुछ नहीं। एक ही फ़ज़ा में रहने के, अब अगर एक ही फ़ज़ा में रहने के बावजूद कुछ परवान चढ़ें कुछ परवान न चढ़ें तो उस फ़ज़ा का कसूर नहीं है, ज़ाती इस्तेदाद का कसूर है। ज़ाती इस्तेदाद का कसूर, ज़ाती सलाहियत का कसूर है। तो यह सूरत हाल कायनात के की हर सतह पर, आलम हस्ती में हर सतह पर ये सूरत हाल मौजूद है। और फितरत इंतखाब करती है, इंतखाब फितरत का कानून है, मगर फितरी इंतखाब, फितरत का इंतखाब ही सलाहियत की बुनियाद पर होता है, तादाद की बुनियाद पर नहीं। और इस इंतखाब में कामयाब होने के लिए और मंजिल बका तक पहुंचने के लिए, अपने नक्श ना पायदार को नक्श पायदार बनाने के लिए, नक्श ना तमाम को नक्श तमाम बनाने के लिए, नक्श जवाल आमादा को नक्श दवाम बनाने के लिए, हस्ती मुस्तार को हस्ती मुस्तदाम बनाने के लिए, दो तरफा तकाजों का पूरा होना ज़रूरी है। फितरत के इंतखाब के मेयार पर भी वो शय पूरी उतरे, और फितरत के मेयार इंतखाब पर पूरे उतरने के लिए जिद्दोजहद भी करें। चनांचे सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही की इस्तिलाह नहीं इस्तेमाल होती, बल्कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की इस्तिलाह भी इस्तेमाल होती है। और ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, पूरी डार्विनिज्म की थ्योरी इसी पर कायम है, डार्विनिज्म की थ्योरी इसी पर कायम है, नज़रिया इर्तिका। और जनाब वाला आम तौर पर जो मजहबी हलके हैं वो नज़रिया इर्तिका को रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं कि नज़रिया इर्तिका बातिल है। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि नज़रिया इर्तिका हरगिज़ बातिल नहीं है, इस कायनात की तख्लीक ही रब्बे अकबर ने उसूल इर्तिका पर फरमाई है। वो बुनियादी उसूल जो कार फरमा है वो इर्तिका का उसूल है। फर्क यह है कि डार्विन ने सिर्फ मादी इर्तिका के सफर पे नजर रखी, रूहानी इर्तिका के सफर पर उसकी नजर नहीं रही। इंसान बहैसियत इंसान जो कि रूह और जिस्म का मजमुआ है,
इसको सिर्फ जिस्मानी एतबार से इर्तिका के सफर से नहीं गुजरना पड़ा है, बल्कि रूहानी इर्तिका से भी गुजरना पड़ा। और बुनियादी तौर पर चूंकि इंसान एक रूहानी मखलूक है, ज़र्फ मादा में इसलिए इसकी बका मादी इर्तिका की रहीने मिन्नत नहीं है, इसकी बका ही रूहानी इर्तिका की रहीने मिन्नत है। इसी नजरिए को हमारे मकतब में इस्लामी फलसफे में और इल्मुन नफ्स में इस ताबीर से पेश किया जाता है कि नफ्स हो जिस्मानियतुल हुदूद रूहानियतुल बका। ये नफ्स हुदूद के लिए, पैदाइश के लिए जिस्म का मोहताज है, बका के लिए जिस्म का मोहताज नहीं है। ये बुनियादी नजरिया है जो अपने जहन में रखें आप। ये हकीकत है हमारे और आपके ताल्लुक से, इंसानी जिंदगी के ताल्लुक से इस हकीकत का इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा नफ्स तख्लीक के लिए जिस्म का मोहताज है, बका के लिए जिस्म का मोहताज नहीं है। इस आलम हस्ती में, आलम हस्ती के इस हिस्से में जिसमें इस वक्त हम हैं, इस वक्त हम जहां हैं, ये खाक नाए दहर, ये जमीन, ये फजा, ये जमान व मकान, इसमें कानून ये है कि हमारी रूह पैदा होगी जिस्म से और पैदा होगी जिस्म में। लेकिन बाकी रहने के लिए जिस्म की मोहताज नहीं है। ये चीज बिल्कुल राशिख हो जानी चाहिए जहनों में। और आपका मुशाहिदा है कि एक वजूद इंसानी एक जर्रे नादीदा की शक्ल में सुलबे मदर से रहमे मादर में मुंतकिल होता है और उस वक्त उसे जीरूह शुमार नहीं करते, उस वक्त उसे जानदार शुमार, हालांकि सुलबे जानदार से मुंतकिल हो रहा है। सुलबे जीरूह से मुंतकिल हो रहा है, जर्फे जीरूह में मुंतकिल हो रहा है। जहां से मुंतकिल हो रहा है वो भी जीरूह, जहां मुंतकिल हो रहा है वो भी जीरूह, मगर उस वक्त वो खुद जीरूह नहीं आए। एक जर्रा इधर से और एक जर्रा इधर से, या एक कतरा इधर से और एक कतरा इधर से, दो कतरे बाहम मुत्तहिद हो गए। तवज्जो रहे, मुत्तफिक नहीं हुए, सिर्फ मुत्तहिद हो गए। ये जुमला मैं दो तीन बार अर्ज कर चुका हूँ इससे पहले कि इत्तेहाद और इत्तेफाक में फर्क है। हम अपनी जबान में अल्फाज का इस्तेमाल जिस तरह करते रहते हैं वो तसामुह का उसमें दखल बहुत होता है, यानी हकीकी मानी से हटाकर लफ्ज़ को मजाजी मानी में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ मजमे में तो माशाल्लाह उदबा शुरा तशरीफ़ फरमाएँ, हकीकत व मजाज के मसाइल पर आप हजरात की खुद नज़र है। तो मैं जब भी देखता हूँ जनाब मशकूर हुसैन याद साहब, बुजुर्गवार शायर और अदीब, और न सिर्फ शायर हैं बल्कि शेरों की तशरीह भी बहुत कामयाब करते हैं, और ये मैं बर सबील मिजाह नहीं कह रहा हूँ, हकीकतन कह रहा हूँ, इन्होंने जो शरहें लिखी हैं वो बहुत कामयाब शरहें हैं। वैसे आपको ये तजर्बा भी होगा कि अब ये जब अपने शेर सुनाते हैं तो सिर्फ शेर नहीं सुनाते, तशरीह भी सुनाते हैं साथ साथ। और अभी ये दिल्ली तशरीफ़ लाए थे
और स्टेज पर मैं भी मौजूद था, बयान मुझे करना था, शेर इन्हें सुनाना था, तो मैंने ये गुस्ताखी की। जब ये माइक की तरफ जाने लगे तो मैंने इनका हाथ पकड़ के ये कहा कि देखिए आप सिर्फ शेर सुनाइएगा, तशरीह ना सुनाइएगा। तो हकीकत मजाज के रिश्ते हैं, हम इत्तेहाद का कलिमा बराबर इस्तेमाल करते हैं और इत्तेहाद का समाजियात में जो मफहूम है वो अलग है और फ़लसफ़े में और साइंस में जो मफहूम है वो अलग है। साइंस में इत्तेहाद ये है कि दो मुख्तलिफ माहियतें हों और वो दोनों अपनी माहियतों से दस्तबरदार होकर इस तरह मिल जाएं कि एक तीसरी वहदत पैदा हो जाए। और इसकी बहुत मशहूर मिसाल पानी ही से दी जा सकती है कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग, उनकी पहचान अलग अलग है, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट सब कुछ अलग अलग है, उनका रंग, बू, मज़ा, उनकी तासीर अलग अलग है, मगर वो दोनों चीज़ें जब तक अलग अलग रहेंगी उनकी शख्सियत अलग रहेगी, आइडेंटिटी अलग अलग रहेगी, प्रॉपर्टीज़ अलग अलग रहेंगी, नाम अलग अलग रहेगा, और जब वो मिल जाएंगे इस तरह एक ख़ास फार्मूले के तहत तो उसको ना ऑक्सीजन कहा जाएगा ना हाइड्रोजन कहा जाएगा, उसे वाटर कहा जाएगा। ये है इत्तेहाद। साइंस की इस्तिलाह में और फ़लसफ़े की इस्तिलाह में इसे कहते हैं इत्तेहाद, यानी दो मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह मिल गई कि एक तीसरी और नई वहदत वजूद में आ गई। और जहाँ सूरत हाल ऐसी ना हो बल्कि आपकी अपनी इनफरादियत भी बाकी रहे, मेरी अपनी इनफरादियत भी बाकी रहे और हम दोनों मिलकर कुछ करना चाहें तो उसे इत्तेहाद नहीं कहेंगे, उसे इत्तेफाक कहेंगे। दुनिया में इत्तेफाक ही मुश्किल है, इत्तेहाद तो बहुत दूर की बात है। सच्चे दिल से, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, नतीजा खेज, मुसमर समर, सूदमंद, बारावर इत्तेफाक अगर कायम हो जाए तो यही हमारे लिए सरफराजी का एक बहुत बड़ा जीना बन जाएगा, मिल्लत इस्लामिया के लिए हो या तमाम इंसानियत के लिए। हम मुश्तरक मसाइल पर मुत्तहिद भी नहीं हो पाते, मुत्तफिक भी नहीं हो पाते, मुत्तहिद होना तो बहुत दूर की बात है। तो बहरहाल वो जो एक कतरा नादीदा सुलब पदर से और एक कतरा नादीदा माँ की तरफ से रहम मादर में मुत्तहिद हो जाते हैं, दो कतरे मुत्तफिक नहीं होते, सिर्फ मुत्तहिद हो जाते हैं। वो मुत्तहिद होने के बाद एक अरसे तक उनमें इर्तिका का सफ़र भी जारी रहता है मगर उसमें रूह नहीं पाई जाती। तीन महीने, साढ़े तीन महीने या चार महीने के बाद उसमें रूह या जान पैदा होती है। और फरमाने आप तो मादी इर्तिका तो है, मादी इर्तिका है और मादे का वजूद पहले है, उसके बाद उसमें एक नया बुद पैदा हुआ, एक नई जिहत पैदा हुई, एक नया डायमेंशन पैदा हुआ जिसे हमने रूह कहा, जिसे हमने जान कहा कि अब जान आ गई, अब इसमें जान पैदा हो गई, अब इसमें रूह पैदा हो गई। तो पैदा होने के लिए जिस्म जरूरी है, तख्लीक नफ्स इंसानी के लिए, तख्लीक रूह इंसानी के लिए जिस्म जरूरी है, मगर बकाए नफ्स इंसानी के लिए जिस्म जरूरी नहीं है। आज ये बहस में छेड़ना नहीं चाहता था मगर और इसलिए भी छेड़ना नहीं चाहता था कि मुझे याद है ये मौजू ऐसा है कि जिस पर, चूँकि मेरे पसंदीदा मौजूद में से
और साथ साथ सिर्फ पसंद की बात नहीं है, बात यह भी है कि उन मौजूआत में से है कि जिन मौजूआत से अभी ज़हन उमूमी अच्छी तरह मानूस नहीं हुआ है। क्यों कह रहा हूँ मानूस नहीं हुआ है? कि इंसान ख़ुद अपनी वहदत में सनवियत का कायल है। इंसान इस बात का मुअतक़िद है कि वो दो चीज़ों का मजमूआ है, जिस्म और रूह। देखिए ये मौजू बहुत अहम है, जिस्म और रूह। जैसे पहले कहा जाता था, आइंस्टाइन से पहले कहा जाता था टाइम एंड स्पेस, स्पेस एंड टाइम, उसके बाद एंड बीच से निकल गया, स्पेस टाइम है ना। इसी तरह हम चाहते हैं कि आपके जहनों से मादा और रूह, रूह और मादा, इसमें से और निकल जाए। और का दखल ना रह जाए बीच में। और हमारे यहाँ आप एक वहदत हैं, एक वहदत हैं आप, रूह और जिस्म की वहदत है, एक वजूद बसीत है आपका। उसके शुऊन मुख्तलिफ हैं, उसकी सतहें हैं, उसकी परतें हैं, उसकी जिहतें हैं, उसके अबआद हैं, उसके बातिन के बातिन हैं, उसके जाहिर हैं, जाहिर के जाहिर हैं। एक वहदत की न जाने कितनी शानें हैं जो जाहिर होती हैं। तवज्जो है, ये मौजू समझना इसलिए जरूरी है कि मन आरफ नफ्सहु फकद आरफ रब्बा। जो अपने नफ्स को समझ ले गोया उसने अपने रब को समझ लिया। अगर आप अपनी जात की वहदत के बावजूद उसके मुख्तलिफ शुऊन को समझ लें तो फिर आप कभी उस जात की वहदत में शुबा नहीं करें। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। मौजू अहम है, क्योंकि मौजू अहम है इसलिए कभी कभी उसे मुख्तलिफ असालीब में, मुख्तलिफ अंदाज में पेश करना पड़ता है। और कोई असासी नज़रिया जो है उसके ऊपर तो बहुत से निज़ाम कायम होते हैं, तो जब भी किसी नई बात को भी पेश करना होगा तो उस असासी नज़रिए का रेफरेंस देना पड़ेगा ताकि नज़रिया महफूज रहे। वाज़े है, वो तौहीद जिसे हम तौहीद इस्लामी कहते हैं, वो तौहीद जिसे हम तौहीद कुरानी कहते हैं, वो तौहीद जिसे हम तौहीद मुहम्मदी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तौहीद समझ में नहीं आ सकती जब तक कि आप अपनी शख्सियत के अंदर वहदत को दरयाफ्त ना करें। अपनी शख्सियत की वहदत को कशफ जब तक ना करें, अपनी जात को जब तक कशफ ना करेंगे खुदा को क्या कशफ करेंगे। तवज्जो, तो फिर इस नज़रिए को अच्छी तरह से महफूज कर ले जहनों में। मैं गालिबन 6B मॉडल टाउन में 2 बरस या 3 बरस कबल मैंने ये मिसाल दी थी कि इस बात को समझने के लिए कि नफ्स जिस्म मादी से पैदा होता है, जिस्म मादी में पैदा होता है, लेकिन बाकी रहने के लिए जिस्म मादी का मोहताज नहीं होता। मैंने मिसाल दी थी, खुद हवाला दे रहा हूँ, मैंने मिसाल दी थी इसी लाहौर में। आप में से जिन हजरात का हाफिज़ा कवी है उन्हें याद होनी चाहिए, वो मिसाल मैंने दी थी गुलाब के फूल की। जब आप गुलाब का पौधा लगाते हैं, एक कलम लगाते हैं, उस कलम में खुशबू नहीं होती, उस ज़मीन में खुशबू नहीं होती, उस कलम को उसी आम पानी से सींचते भी हैं, गुलाब से नहीं सींचते। कि कहा जाए कि चूंकि गुलाब से सींचते रहे इसलिए उसमें खुशबू पैदा हुई,
वो पौधा पूरा परवान चढ़ता है और उसके बाद उसमें कली आती है। जब तक कली का मुंह बंद रहता है उस वक्त तक उसमें खुशबू नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोसेस ऐसा हो कि अब लाइए और इसमें खुशबू इंजेक्ट कीजिए। बाहर से कोई चीज़ आप उसमें डालते नहीं, दाखिल नहीं करते। जब वो खिलती है कली और गुलाब का पौधा खिलता है तो ख़ुद ब खुद उसमें से खुशबू पैदा होती है। ये खुशबू पैदा हुई बहुक्म रब। पैदा हुई बहुक्म खालिक, पैदा हुई बहुक्म माबूद, पैदा हुई बतरीक फितरत। पैदा हुई बहुक्म रब, पैदा हुई बतरीक फितरत, मगर पैदा उसी में हुई, बाहर से उसमें दाखिल नहीं की गई। पहले वो आम सा पौधा था और उसके बाद उसमें खुशबू पैदा हुई। तो गुलाब की असली सच्ची फितरी कुदरती खुशबू पैदा होने के लिए गुलाब के पौधे का होना जरूरी है। मगर अगर कोई दस्ते गुलची ऐसा हो जो सिर्फ शाखों से गुल ही को न तोड़ लेता हो बल्कि गुलों में से इत्र भी कशीद कर सकता हो, तो वो उस खुशबू को महफूज कर लेगा। गुलाब का जिस्म मादी रिस्क खाक बन जाएगा, उसकी खुशबू जब तक चाहे बाकी रखे। गुलाब की खुशबू पैदा होने के लिए गुलाब के पौधे की मोहताज थी, बाकी रहने के लिए पौधे की मोहताज नहीं है। जिस तरह गुलाब की खुशबू पैदा होने के लिए, हुदूद के लिए, पैदाइश के लिए, तखलीक के लिए, वजूद में आने के लिए, जहूर में आने के लिए, उस गुलाब के पौधे और उस फूल की मोहताज है, उसी तरह रूह इंसानी वजूद में आने के लिए जिस्म की मोहताज। जिस तरह गुलाब की खुशबू बाकी रहने के लिए गुलाब के पैकर की मोहताज नहीं है, उसी तरह रूह इंसानी अपनी बका के लिए जिस्म मादी की मोहताज नहीं है। जब तक खालिक रूह को बाकी रखना चाहेगा बाकी रखेगा, और जहां बाकी रखना चाहेगा बाकी रखेगा। जब तक गुलाब की खुशबू गुलाब में रहती है, जहां गुलाब जाएगा वही खुशबू जाएगी। जब एक बार गुलाब से निकल आई तो उसी खुशबू में कसरत का जलवा पैदा हो जाएगा। उसी खुशबू में एक गुलाब की खुशबू अगर इत्र कशीद करने वाले में कुदरत है, सलाहियत है, इस्तेदाद है, तो वो एक गुलाब की खुशबू पूरे जहान को महका देगा उससे। और फरमाया यही सूरत हाल एक नफ्स इंसानी की है, एक रूह है इंसानी की है। शर्त यह है कि रूह कमाल के दर्जे तक पहुंच जाए। शर्त यह है कि रूह कमाल के दर्जे पर पहुंच जाए। कमाल के दर्जे पर पहुंचने के लिए दो तरफा कश्मकश है। हमें जिद्दोजहद करनी है, उसे बका की राहें खोलनी है।
हमें जिद्दोजहद करनी है, हमें कोशिश करनी है और उसे बका की राहें खोलनी है। और उसने उसका वादा कर रखा है कि हम बका की राहें खोलेंगे। अब बका की राहें खोलने के मुख्तलिफ असालीब हैं, मुख्तलिफ अंदाज हैं। वो तो किस किस तरह से बका आता करता है उस रब के अंदाजे आता का इहाता भी कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। मैं कल ही गालिबन हैदराबाद सिंध की एक तकरीर में कह रहा था, एक जवान ने सवाल ही किया था दुआ के ताल्लुक से, तो मैंने जवाब में अर्ज़ किया कि हमारा रब वो है जो हमारे नाज उठाता है, नाज। उस रब से इश्क ना करोगे तो किससे करोगे, उस माबूद को सजदा ना करोगे तो किसे सजदा करोगे, उस मालिक से वाबस्ता ना रहोगे तो किससे वाबस्ता हो, उसकी विलायत में ना आओगे तो किसकी विलायत में जाओगे। वो रब हमारे तुम्हारे नाज उठाता है, नाज। और उसकी मिसाल भी यह है कि जैसे मैं आया हुआ हूँ लाहौर में और जनाब बद्र हैदर साहब का मेहमान हूँ, परवरदिगार उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अब मेरी ज़रूरत की तमाम चीज़ें पहले से मुहैया हैं, कमरे में हर चीज़ मौजूद है, इन्हें मालूम है कि मेरी ग़िज़ा मुख्तसर है, लिमिटेड है, वक्त वक्त की पाबंदी है। उसके बावजूद उन्होंने खाने पीने की कुछ चीज़ें भी अलग से रख दी हैं, वो हर साल रख देते हैं। हो सकता है रात के 3 बजे कभी भूख लग जाए तो कुछ बिस्किट वगैरह खाकर तसल्ली कर लेंगे। हर चीज़, पानी मौजूद है, ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। उसके बावजूद जब शब खैर कहने का वक्त आता है तो ये, इनके बच्चे, इनके दामाद, इनकी बेटियां सब, मौलाना साहब देखिए किसी वक्त कोई ज़रूरत हो तो आवाज़ दे दीजिएगा। देखिए हमारा कमरा दूर नहीं है, बिल्कुल करीब है, आपके कमरे का नेक्स्ट डोर हमारा है, ये कमरा आपका है, वो कमरा हमारा है ना। इसे कहते हैं मेहमान की नाज बरदारी, यही तो है मेहमान की नाज बरदारी। आने से पहले सारी चीज़ें मुहैया, उसके बावजूद भी सोते सोते भी किसी वक्त कोई ख्वाहिश हो तो आवाज़ दे दीजिएगा। उस रब ने भी यही एहतमाम किया, हमें इस दुनिया में भेजने से पहले हर हमारी ज़रूरत मुहैया कर दी, फिर भी कहा अब भी कुछ ज़रूरत हो तो दुआ कर ले। ऐसा रब मिला है हमें, ऐसे रब पर नाज ना करें तो हाय हाय, ऐसे रब को सजदा ना करें तो वाह है, हमारे नाज उठाता। आगोश मादर में आने से पहले सीने मादर में गजा भेज दी, हर चीज मुहैया, हर चीज फराहम, जितनी जरूरतें हैं इंसान की मुहैया, जिस जिस मौजूद की जो जो जरूरत है मुहैया। एक इंसान पर क्या मुनहसर, एक इंसान पर क्या मुनहसर, इस आलम हस्ती में, आलम कायनात में, आलम मुमकिनात में जिस जिस शय की जो जो जरूरत है उस शय के वजूद में आने से पहले मुहैया होती है, वो जरूरत पहले पूरी करता है, वजूद बाद में अदा करता है और उसके बाद कहता है कि दुआ करो। इसे कहते नाज उठाना,
یہ ہے وہ رب جس نے باپ کے دل میں پدرانہ شفقت ڈالی جس نے ماں کے سینے میں ممتا کو ودیعت فرمایا یہ وہ رب ہے اور فرمایا تو وہ راہیں بقا کی کھولتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ہم اپنے راستے ان کے لیے کشادہ کرتے ہیں ہم رہنمائی کرتے ہیں ہم خود بقا کی راہوں کی رہنمائی کرتے ہیں وہ راستے جو ہماری طرف آ رہے ہیں ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں کن کی رہنمائی کرتے ہیں جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں جو مجاہدہ کرتے ہیں جو جہد اختیار کرتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں سعی کرتے ہیں اور یہ یاد رکھیں عجیب و غریب بات ہے جوانوں کے لیے ایک پیغام ہے اور صرف جوانوں کے لیے نہیں سبھی کے لیے پیغام ہے یہ ایک بڑا کلیدی اصول ہے جو عرض کر رہا ہوں اور یہ بھی قرآن مجید سے ماخوذ اور مستنبط ہے کچھ بھی ہمارا نہیں ہے یہاں پر نہ ہمارا جسم ہے نہ ہماری جان ہے نہ زمین ہے نہ آسمان ہے کوئی چیز ہماری نہیں سب اس کی تخلیق اور اس کی عطا ہماری اپنی بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ایک چیز ہے ایک چیز ہے بس اصل پونجی جس پر کوئی بھی ناز کر سکتا ہے وہ ایک ہے جوانان عزیز یہ 21ویں صدی ہے اقتصادی جد و جہد بھی ہو رہی ہے اسٹرگل ہے دوڑ ہے روزی روٹی کمانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ پیدا کرنے کے لیے ایک دوڑ ہے اور اس میں سارا کا سارا خون پسینہ بن کے بہہ جاتا ہے اور زندگی تلخ ہو جاتی ہے بے لطفیاں ہوتی ہیں گھر کی راحت چین آرام سکون ماں باپ بیٹوں کی صورتیں دیکھنے کو ترس جاتے ہیں بیٹے ماں باپ کی شفقتوں کو ترس جاتے ہیں یہ دور ہے چاہے لاہور ہو چاہے نیو یارک اب تو تیزی سے یہ کلچر پھیل رہا ہے بلکہ پھیل چکا ہے اب یہ کینسر تھرڈ یا فورتھ اسٹیج میں ہے ابتدائی اسٹیج میں نہیں ہے بے چینی ہے ناراحتی ہے چہروں پر مسکراہٹیں نہیں ہیں سچی مسکراہٹ نہیں ہے مسکرانے کے لیے انسان لطیفوں کا سہارا لیتا ہے کیا بیچارگی ہے کیا بیچارگی ہے یہ بیچارگی دور کیسے ہوگی کسی چیز پر بھروسہ نہ کریں آپ ماں باپ کی دولت جائیداد میراث کچھ نہیں آپ کی تھوڑی ہے کتنے خاندان ہم نے دیکھے ہیں کہ خاندان بہت رئیس تھے اور آنن فانن وہ جو وارث تھا اور جسے ناز تھا کہ یہ سب ہمارا ہے وہ بے دست و پا ہو کر رہ گیا نہ جائیداد نہ حکومت نہ دولت نہ ثروت بادشاہوں کی تاریخ اور نوابین کی تاریخ اور راجگان کی تاریخ اور خواجگان کی تاریخ اور رؤسا اور عمرا اور تعلق داروں کی تاریخ سب دیکھ لیجئے پڑھ لیجئے نہ آپ دھن دولت پہ اعتبار کریں اور نہ اپنے جسم و جان پر ایک چیز ہے جسے قرآن نے کہا کہ یہ تمہاری ہے اور وہ ہے انسان کا اپنا ارادہ اور اس کی کوشش جسم بھی آپ کا نہیں ہے جان بھی آپ کی نہیں ہے آپ کا سرمایہ ہے ارادہ اور کوشش اصل کیپیٹل جس پر آپ کو زندگی کی تجارت کرنی ہے وہ آپ کا ارادہ اور کوشش اور
इसके लिए खुदा ने कहा कि हम किसी की कोशिश जाया नहीं करते। किसी की कोशिश जाया नहीं करते, किसी की कोशिश जाया नहीं करते। ये कुरान मजीद में ऐलान है, किसी की कोशिश जाया नहीं करते। बल्कि औलिया अल्लाह ने बार बार कहा कि السعي منا والاتمام من الله, कोशिश हमारी तरफ से होती है और उस कोशिश को तमाम व कमाल के दर्जे पर खुदा पहुंचाता है। आप देख लीजिए, इस वक्त मैं कोई, हमेशा जब वाक़यात सुनाए जाते हैं तो वो सुनाए जाते हैं 17वीं सदी और 18वीं सदी के, मैं आपको 20वीं सदी और 21वीं सदी का वाक़या सुना रहा हूँ अपने मुल्क का। एक साहब थे जो बम्बई की सड़कों पर अपने कंधे पर कपड़े के थान लेकर बेचा करते थे, और किसी पेट्रोल स्टेशन पर गाड़ियों में खड़े होकर पेट्रोल डाला करते थे। पेट्रोल डालते डालते एक दिन उनके दिल में ये ख्याल आया कि क्या मैं इस पेट्रोल स्टेशन का मालिक नहीं बन सकता हूँ, और उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया कि मुझे ऐसी कोशिश करनी है कि मैं इस पेट्रोल स्टेशन का मालिक हो जाऊं। अपनी ही जिंदगी, एक फर्द ने अपनी ही जिंदगी में इतनी तरक्की की कि वो एक पेट्रोल स्टेशन के मालिक नहीं है इस वक्त, इस वक्त वो दुनिया के सबसे बड़े सरमायादार हैं, बिल गेट्स से भी ज़्यादा दौलत उनके पास है, और उन्होंने अपनी शरीक हयात को अभी एक हवाई जहाज़ हदीयतन पेश किया है। आप हजरात के इल्म में ऐसी खबरें मुझसे ज़्यादा होंगी, मैं तो बड़ी एहतियात से वो ख़बर को निचोड़ के अपने अल्फाज में पेश कर रहा हूँ। चूँकि बहुत से नाम मैं मेम्बर पर लेना नहीं चाहता हूँ तो उनका क्या नाम लूँगा। मगर ये इस दौर की इक्तसादी कशमकश के दौरान एक मिसाल है। एक शख्स नादार, एक नादार इंसान, एक नादार, ये सब जवानों बच्चों औरतों मर्दों सब के लिए पैगाम है, एक नादार इंसान जो मुसलमान भी नहीं है, कलिमा को नहीं है, इस्तिलाहन वो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहता, कलिमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहता, उसने एक अपने नफ्स के साथ कमिटमेंट किया, किसी गैर के साथ नहीं, अपने नफ्स में अहद किया इरादा, मुझे एक दिन इस पेट्रोल स्टेशन का मालिक बनना है। वो हिंदुस्तान की जो ऑयल रिफाइनरी है और पूरा जो पेट्रोलियम का हमारे यहाँ तिजारत का पूरा साजमान है, उसके सबसे बड़े शेयर होल्डर वो हैं, और हमारे यहाँ अपनी ही जिंदगी में 50 साल 60 साल 70 साल के अरसे में या 40 45 साल के अरसे में क्या इरादा और उसके साथ कोशिश, कोशिश असल सरमाया हर फर्द बशर का इरादा और कोशिश है। अब खुदा के सिलसिले में यह ना कहिएगा खुदा आदिल नहीं है, ये वो दौलत है बुनियादी जो उसने सबको बराबर से तकसीम कर दी। तवज्जो, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। देखिए ये बड़े बड़े फिक्री सवालात हैं जो इस अहद में उठते हैं और मैं उनके जवाबात देने की कोशिश करता हूँ। इसी ज़िम्न में एक और अहम सवाल जो जवान बराबर करते हैं और दीन और खुदा से नऊज़ु बिल्लाह बदज़न होते हैं, वो भी कल ही सवाल किया था, वहाँ मैं जवाब नहीं दे सका, यहाँ जवाब दे रहा हूँ कि क्या हम सब अल्लाह की नज़र में एक नहीं हैं? अल्लाह ने किसी को दौलत ज़्यादा दी किसी को कम दी, किसी को इल्म ज़्यादा दिया किसी को कम दिया, किसी की सेहत अच्छी है किसी की कमज़ोर है, कोई नेमत ऐसी नहीं है जो बराबर से नज़र आती हो, किसी के बाद औलाद है किसी के पास औलाद नहीं है, हैं?
किसी के पास माल और दौलत सरबत है, किसी के पास नहीं है, तो क्या हम सब खुदा की नज़र में बराबर नहीं हैं? ये शिकवा खुदा से कर रहे हैं। गौर फरमा रहे हैं खुदा की, और किस खुदा से कर रहे हैं, किस खुदा से शिकवा कर रहे हैं? वो खुदा जो हमारे सैकड़ों हज़ारों बल्कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुनाहों के बावजूद हमारी एक इस्तग़फ़ार पर राज़ी हो जाता है, और हम उसकी लातादाद नेमतों के बावजूद एक दुआ कबूल न होने पर इला करते हैं, उसका शिकवा करते हैं। अल्लाह, एक दुआ कबूल न होने पर शिकवा करते हैं उस खुदा का, यह शिकवा वो हमारी, हम सब उसकी नज़र में बराबर नहीं। अब मैं दो बातें अर्ज़ कर रहा हूँ बल्कि तीन, अगर ये देखें कि अल्लाह ने की नज़र में हम बराबर हैं या नहीं, तो पहले ये देखिए माल और दौलत पे न देखिए। मेरे इस सवाल पे गौर कीजिए कि वो कोई नेमत भी है या नहीं कि जो अल्लाह ने सबको बराबर से तकसीम की है? कोई तो है। एक दौलत तो मैं बता देता हूँ, वक्त, जिसकी हम कोई कदर व कीमत नहीं समझते। तवज्जो रहे, एक आलिम के पास भी 24 घंटे हैं, एक जाहिल के पास भी 24 घंटे हैं, एक सेहतमंद के पास भी 24 घंटे हैं, एक बीमार के पास भी 24 घंटे हैं, एक सरमायादार के पास भी 24 घंटे हैं, एक मुफलिस के पास भी 24 घंटे हैं। ये 24 घंटों का सही इस्तेमाल मुफलिस को सरमायादार बना सकता है, इसी 24 घंटे का गलत इस्तेमाल सरमायादार को मुफलिस बना सकता है, 24 घंटे का सही इस्तेमाल जाहिल को आलिम बना सकता है, इसी 24 घंटे का गलत इस्तेमाल आलिम को जाहिल बना सकता है, 24 घंटे का सही इस्तेमाल बीमार को सेहतमंद बना सकता है, इसी 24 घंटे का गलत इस्तेमाल सेहतमंद को बीमार डाल सकता है। ये 24 घंटे परवरदिगार आलम ने, वक्त वो नेमत है, वो दौलत है, वो सरवत है कि जो उसने सबको बराबर से तकसीम की। अब जिसे आप सरमायादार देखकर हसद में मुब्तला हैं और गिला खुदा का कर रहे हैं, गौर कीजिए कि उसने वक्त का इस्तेमाल कैसे किया, आपने वक्त को बर्बाद कैसे किया। यूं ही खुदा ने उसकी छत पे बरसा दिए पैसे, या उसने जिद्दोजहद की, कोशिश की, वक्त का इस्तेमाल किया, इरादा, कोशिश, प्लानिंग, मंसूबा बंदी, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, ये उसने किया, कुछ कोशिश की, तब पैसा उसके घर आया। आप शिकवा खुदा का कर रहे हैं, आपको उसकी कोशिशों की दाद देनी चाहिए और उससे कुछ सलीका खुद सीखना चाहिए। और हमारे जिसने इल्म हासिल किया उसने यूं ही तो नहीं इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया कि जाके फुला फुला को इल्म दे देना और बाकियों को। तो ये शिकवा कि अल्लाह की नजर में क्या हम बराबर नहीं हैं? हर चीज आप देखें कि अल्लाह की नजर में हम सब बराबर हैं। उसने इरादा करने और आरजू करने की का हक सबको दिया, कोशिश करने की सलाहियत सबको दी, कोशिश के लिए ज़र्फ़ वक्त सबको तकसीम किया। आरजू करो, कोशिश करो, कोशिश के लिए ज़र्फ़ वक्त चाहिए, ज़र्फ़ वक्त सबको बराबर से दिया। अब भी कहते हैं कि सब बराबर नहीं है अल्लाह की नजर में, तवज्जो है। इतना तो बराबर से तकसीम कर दिया,
उसके बाद ऐलान किया, समझाया, अच्छी राहों की निशानदेही की, बुरे रास्तों की निशानदेही की, और कहा तुम कोशिश करो, तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो हम दस्तगीरी के लिए हर जगह मौजूद हैं, हर कदम पर मौजूद हैं, कदम ब कदम मौजूद हैं। और इतनी आजादी भी दी, तीन चीजें अभी मैंने गिनाई, इरादा, कोशिश की इस्तेदाद और सलाहियत, ज़र्फ़ कोशिश, ज़र्फ़ सही यानी वक्त, और आजादी। आजादी ये दी कि तुम जो कोशिश करो हम कहीं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे। फिरौन बनना चाहो तब भी हम मना नहीं करेंगे, नमरूद बनना चाहो तब भी हम आके नहीं रोकेंगे। हमारे चहीते और चाहने वालों को जलाने के लिए आग भड़काओ तब भी नहीं हमारा हम तुम्हारा हाथ रोकेंगे। तुम अपनी कोशिश में कमाल के दर्जे तक पहुंचोगे, कमाल, जहां तक पहुंचना चाहते हो पहुंचो। बस ये है कि तुम हमें भूल कर जो सफर तय करोगे उसमें कमाल का नुक्ता भी जवाल का नुक्ता होगा, और जो हमारी राह में कोशिश करेगा हम उसके लिए बका की राहें खोलते चले जाएंगे, कि तुम जो आग भड़काओगे हम उसके लिए गुलजार बना देंगे। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले, एक और बुलंदर सलावत पढ़ दें, बस बाद की तकरीर तो तमहीद में गुजर गई। और चूंकि ताखीर से शुरू की थी तकरीर मैंने, इसलिए इख्तिताम जाहिर है ताखीर से हो रहा है, और मज़ीद ताखीर की गुंजाइश नहीं है, इसलिए इंशाल्लाह कल सरे वक्त मजलिस शुरू हो जाएगी, और फिर जिस कदर ज़र्फ़ वक्त में गुंजाइश होगी, गुफ्तगू होगी। ये जो मैं बार बार वक्त की बात करता हूँ तो ये ना समझिए कि तंगी वक्त का शिकवा करता हूँ, बल्कि तकाजाए वक्त का एहसास रखता हूँ। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तंगी ए वक्त का शिकवा तो हम कर ही नहीं सकते, इसलिए कि तंगी ए वक्त का शिकवा वो करे जिसके पास वो वसीले ना हों जो वक्त में बरकतें पैदा कर दें। जिनके पास वो वसीले ना हों जो वक्त में बरकत पैदा कर दें वो तंगी वक्त का शिकवा करें। तंगी वक्त का शिकवा हरगिज नहीं करना चाहिए, लेकिन असल मसला है तकाजा वक्त का लिहाज। तो आज की गुफ्तगू यहीं ख़त्म हो रही है, और ख़ुलासा बहस ये है कि रब करीम ने हमें दावत दी है कि तुम कोशिश करो और हम तुम्हारे लिए बका की राहें खोलेंगे। इसमें जद्दोजहद की बहस भी आएगी समाजी सतह पर, इसमें जहद लिलबका की बहस भी आएगी इर्तिकाई सतह पर, इसमें इज्तिहाद की बहस भी आएगी इल्मी सतह पर। इल्म में जिद्दोजहद का नाम है इज्तिहाद, और ये तमाम किस्म की जिद्दोजहद कोशिशों सारी जिंदगी के हमगीर इर्तिका के लिए जरूरी है। जिंदगी को उसकी पूरी वहदत के साथ इर्तिका का सफर तय करना है, किसी सिर्फ एक जहत में नहीं, पूरी वहदत के साथ जिंदगी को तरक्की करनी है। उसने वादा किया है कि कोशिश तुम करो, दस्तगीरी हम करेंगे। अब अगर किसी को शुभा हो तो हो,
इसलिए कि हो सकता है कोई इस फिक्र में मुब्तला हो जाए कि मौलाना क्या फरमा रहे हैं, दस्तगीरी हम करेंगे, इसलिए कि वो तो दस्ती ही नहीं रखता तो दस्तगीरी कहाँ से करेगा। हमें तो मालूम है कि वो कैसे कैसे दस्त रखता है। ये शुभा ना आए कि ये सब बातें यूं ही आए, यूं ही नहीं है, यूं ही नहीं है। जिसे शुभा हो वो पुकार के देखे, इसी पुकार का नाम है दुआ, पुकार के देखे और उसके बाद शिकवा मुझसे ना करे, इसलिए कि नजर उसे कुछ और आएगा, पुकारेगा खुदा को, मदद को आएंगे मोहम्मद, पुकारेगा खुदा को, दस्तगीरी करेंगे अली, पुकारेगा खुदा को, करम फरमाएंगे हुसैन। तवज्जो रहे, समझ के उठिए ये बहस, आज इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है, कल और परसों दो दिन और हैं और ये बहस मुसलसल चलेगी इंशाल्लाह। ये बात समझें, ये शिर्क नहीं है, ये कुफर नहीं है, तौहीद को समझें और निज़ाम है तौहीद को समझें, तौहीद को समझें और निज़ाम है फैज़ान वहदत इलाही को समझें, रहमान की ज़ात को पहचानें और फैज़ान रहमानियत को समझें, ज़ात रहीम को पुकारें और फैज़ान रहीमियत को समझेंगे क्या है? समझें, एक निज़ाम है, इस निज़ाम से हम बाहर नहीं निकल सकते। जो भी अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करेगा, कोशिश करेगा, इज्तिहाद करेगा, रहनुमाई करता है वो अली के वास्ते से, रहनुमाई करता है वो हसन के वास्ते से, रहनुमाई करता है वो हुसैन के वास्ते से, रहनुमाई करता है वो सैयद जहरा के वास्ते से। ये रहनुमाई के वसाइल हैं, इन वसाइल का इनकार कर नहीं सकते आप। नज़रियाती सतह पर कर लें, किसी इनाद की बिना पर कर लें, मगर ज़ाहिर तारीख़ में भी इन्होंने मदद की है, बातिन हयात में भी मदद कर दी। आज मुसलमान इनकार करते हैं कि हमें इन्हें नहीं पुकारना चाहिए। ज़रा वो क़ुरून अव्वला के मुसलमानों को देखें कि कहाँ कहाँ किसने नहीं पुकारा। मैदान में तो उन्हें पुकारा गया, दरबार में तो उन्हें पुकारा गया, इल्मी मसले आए तो पुकारा गया, कजावत के मसले आए तो पुकारा गया, कहाँ नहीं पुकारा गया, कहाँ नहीं पुकारा गया। बस ये मसला है कि हाँ उस वक्त तो वो मौजूद थे, उनको पुकारना दुरुस्त था, आज तो वो मौजूद नहीं हैं, आपकी नज़र में मौजूद ना होंगे। अभी हम यही तो बता रहे थे कि रूह की बका के लिए जिस्म की बका ज़रूरी नहीं है। मौजूद ना होंगे, नऊज़ु बिल्लाह। आप जब मदीने मुनव्वरा जाते हैं तो आप समझते होंगे कि पैगंबर तो मौजूद नहीं है, हम जब जाते हैं तो हम इस यकीन से जाते हैं कि पैगंबर मौजूद है, पैगंबर हमें देख रहे हैं, पैगंबर हमारा सलाम सुन रहे हैं, पैगंबर हमें जवाब दे रहे हैं। हमारे आलूदा कान इस लायक नहीं है कि उनकी आवाज़ को सुन सकें। और इसी तरह जब हम गुम्बद खजरा के नीचे से निकल के बकी की तरफ बढ़ते हैं तो इसी यकीन के साथ कि ये जो पर्दा खाक में जिस्म पोशीदा हैं ये बेजान नहीं हैं, इनकी रूहें हमें मुशाहदा कर रही हैं, ये हमें देख रहे हैं,
कौन है बकी में, कौन है बकी में, बकी में जो मासूमीन मदफून हैं उनमें एक वो इमाम भी है कि जिसकी शहादत के लिए हम ये मजलिस में, सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, वो इमाम बरहक के जो अल्लाह की तरफ से हिदायत के वसाइल में से एक वसीला है, जिस वसीले से हम दस्तबरदार नहीं हो सकते, जिस वसीले से हम बेनियाज नहीं हो सकते, जिस वसीले से हम बेनियाज हो जाएं तो हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते, हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद की इमामत का दौर कैसे क़यामत खेज लम्हों में शुरू हुआ है, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन, खुदा आपके बच्चों को यतीम न करे, खुदा आपको कभी असीर न होने, खुदा आपको कभी जिंदानों का सामना न करे, सैयद सज्जाद की इमामत कैसे क़यामत खेज लम्हों में शुरू हुई है, खैमों में आग लगी हुई है, सैयद सज्जाद तीन दिन है तीन शबों में सैयद सज्जाद के मसाइब को मुझे तसलसल के साथ बयान करना है। सैयद सज्जाद के मसाइब शुरू होते हैं शब आशूर से, शब आशूर सैयद सज्जाद बीमार पड़ गए और सुबह आशूर बाबा की मदद के लायक ना रहे, पूरा दिन गशी की कैफियत में गुजरा और जब रुख्सत आखिर के लिए हुसैन आए, जनाब ज़ैनब ने आकर शाना हिलाया, बेटा सैयद सज्जाद उठो बाबा रुख्सत आखिर के लिए आए, आप एक बेटे की मुसीबत देखें, अब एक बेटा जवान बेटा जिम्मेदार बेटा बामारिफत बेटा शुजा बेटा बाप का चाहने वाला आशिक बेटा अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला बेटा, उस बेटे ने गशी से आंखें खोली तो मादरे गिरामी से पूछा ये कौन मेरे सिरहाने बैठा, यानी उस वक्त हुसैन सर से पांव तक इस तरह जख्मों से चूर थे, चेहरे मुबारक पर लहू था कि सैयद सज्जाद पहचान ना सके ये बाबा हुसैन है। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह, सैयद सज्जाद पहचान ना सके, खूबी अम्मा कौन है, खूबी ने कहा बेटा ये बाबा है अबू अब्दुल्ला, ये बाबा है हुसैन तुमसे रुख्सत आखिर के लिए आए हैं। सैयद सज्जाद ने फिर गौर से देखा और कहा बाबा आप तन्हा क्यों नजर आ रहे हैं, बाबा चचा अब्बास कहाँ हैं। इमाम ने फरमाया के बेटा या बुनैया कद कुतिल, चचा कत्ल हो गए। कहा भाई अली अकबर कहाँ हैं, कहा कत्ल हो गए। कासिम कहाँ हैं, फरमाया कत्ल हो गए। और चंद सवालात के बाद जनाब इमाम हुसैन ने बस एक बार कहा बेटा आप ज़्यादा सवाल ना करो, बस ये समझ लो कि मेरे और तुम्हारे अलावा कोई बाकी नहीं, बेटा मैं रुख्सत आखिर के लिए आया हूँ, बेटा असरार इमामत वदियत करने हैं, मैं जा रहा हूँ, अब कुनबा तुम्हारे हवाले, कायनात तुम्हारे हवाले, बेटा अब इंसानियत की रहनुमाई तुम्हारे हवाले है,
बेटा अब मनसबे इलाही तुम्हारे हवाले, मैं जा रहा हूँ। हुसैन ने असरार इमामत तलकीन फरमाए, अमानत अंबिया वारिस अंबिया के सुपुर्द की और मैदान की राह ली। सैयद सज्जाद को इमामत तो मिल गई, मगर आगाज इमामत में सबसे पहला फतवा जो दिया है, सबसे पहला हुक्म जो दिया, सैयद सज्जाद ने अपने अहद इमामत में सबसे पहला हुक्म जो सुनाया वो कयामत का हुक्म है। इसलिए कि बाबा रुखसत हो के मैदान की तरफ गए और उसके बाद भरपूर हमला किया, जंग हुई। जंग के बाद एक मर्तबा आवाज आई, कद कुतल हुसैन बे करबला, हुसैन करबला में कत्ल हो गए। जमीने करबला को सलसला लायक हुआ, खूबी आई, बेटा उठो, काली आंधिया चल रही है, बाबा कत्ल हो गए। सैयद सज्जाद ने कहा जरा खैमे का पर्दा उठाइए, खैमे का पर्दा उठाया, नोके नैजा पे बाबा का सर देखा, अस्सलाम अलैका या बता, बाबा पर मेरा सलाम, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, बाबा पर सलाम, अबू अब्दुल्ला पर सलाम, फरजंद रसूला पर सलाम। ये कहकर सैयद सज्जाद ने सर झुकाया, सैयद सज्जाद ने जमीन पर सर रखा और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह हक्कन हक्का। जमीन को करार आ गया सज्जाद के सजदे से, सज्जाद के सजदे से जमीन को करार आया। लेकिन दूसरी तरफ दुश्मनों ने खैमों में जब आग लगाना शुरू की, एक खैमे में आग लगती थी तो बीबी और बच्चे दूसरे खैमे में आते थे, दूसरे खैमे में आग लगती थी तो तीसरे खैमे में आते थे, यहां तक कि दुश्मनों ने एक साथ तमाम खैमों में आग लगाई। उस खैमे में भी आग लग गई जिसमें सैयद सज्जाद है। जैनब आई और जैनब ने आके पूछा, बेटा सैयद सज्जाद तुम इमाम वक्त हो, जरा बताओ जलते हुए खैमों में जल के मर जाओ या बेरिदा खैमों से बाहर निकल जाओ। सज्जाद ने अपने अहद इमामत में पहला हुक्म जो सुनाया वो ये था, अरे जान का बचाना वाजिब है, बेरिदा खैमों से निकल जा, सबको जैनब ने निकाला मगर खुद उसी खैमे में खड़ी रही। दुश्मन देखता रहा ये बीबी इस जलते हुए खैमे से निकल नहीं रही है। किसी ने पढ़ के पूछा क्या इस खैमे में जल के मर जाओगी, कहा नहीं नहीं, एक मर्तबा पीछे हटी और गोद में उठाया सैयद सज्जाद को और लेकर निकली इस अमानत को, मैं किस तरह फरामोश कर सकती। इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इबादत अज़ा को कबूल फरमा, परवरदिगार मिल्लत इस्लामिया को जादे तौहीद पर चलने की तौफीक करामत फरमा, परवरदिगार इंसानियत को अपने हकीकी वसाइल मारिफत से वाबस्ता कर दे,
परवरदिगार अपने वली आखिर को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से रहमत का परचम लहरा दे।